बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए, शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान किया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान किया वो ये था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। ये सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजमुख को ये सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूद कर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मुस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया।